2014, mechanical, question 1. Two separate slab milling operation 1 and 2 are performed with identical milling cutters. The depth of cut in operation 2 is twice that in operation 1. The other cutting parameters are identical. The ratio of maximum uncut chip thicknesses in operation 1 and 2 is. This question ke andar hume given hai that D2 is equal to 2D1. Means the depth of cut second operation ke andar hai, wo twice hai depth of cut first operation mein. Hume jo chahiye wo hai T1 maximum divided by T2 maximum. Kitna uncut depth of cut hai aur uncut chip thickness second operation ke andar kitni hai, उन दोनों का रेशियो क्या होने वाला है वो हमें पता करना है। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि T1 मैक्सिमम और T2 मैक्सिमम में कॉन्सेप्ट क्या है, कि अनकट चिप थिकनेस होता क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं अनकट चिप थिकनेस, जब भी हम लोग बात करते हैं अनकट चिप थिकनेस के बारे में तो वहां पर हमारा फॉर्मूला होता है, अगर मैं उसे टी मैक्स से रिप्रेजेंट करूं और मैं इसे रख देता हूं अनकट, मैक्सिमम अनकट कितना होने वाला है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है 2f डिवाइडेड बाय nz स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल d। और ये जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है जब हम लोग बात करते हैं अनकट चिप थिकनेस की। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। Now, अगर मैं F को डिफाइन करूं कि F क्या है, तो F हमारे पास होता है फीड रेट, दैट इज इन पर मिनट। यहां पर मैंने लिखा है फीड रेट पर मिनट। कई बार क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि फीड रेट पर टूथ गिवन होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होता है, अगर मुझे फीड रेट पर मिनट चाहिए तो फीड रेट पर टूथ मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। अगर मुझे चाहिए फीड रेट पर मिनट तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फीड रेट पर टूथ मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ टूथ्स दैट आर गिवन बाय जेड एंड एन इज द रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो जब मुझे चाहिए फीड पर रेट सो हम निकालेंगे एफ टी फीड पर टूथ मल्टीप्लाई बाय Z मल्टीप्लाई बाय N, सो वी गेट फीड रेट दैट इज इन पर मिनट। नाउ इसके अंदर हमारे पास है सेकेंड N, और N हमारे पास सेम होता है जो होता है RPM। Z भी सेम है, अगर मैं यहां पे देखूं तो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है स्मॉल d और कैपिटल d। अब जैसे मैं बात करता हूं स्मॉल d की, स्मॉल d और कैपिटल d, स्मॉल डी का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट कितना है, और कैपिटल डी का मतलब होता है डाया ऑफ कटर। डाया ऑफ कटर, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम डील करते हैं। नाउ जैसे हमारे पास ये है वी डाया ऑफ कटर, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डी से। ये जो हमारे पास है ये है डायमीटर ऑफ द कटर, ठीक है, कैपिटल डी। एज्यूम किया कि ये कैपिटल एम रोटेशन पर मिनट से रोटेट कर रहा है इन एनी डायरेक्शन, लेट अस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो डेप्थ ऑफ कट है कितना डेप्थ में हम उसको कट करने वाले हैं, दैट इज नोन एज अ डेप्थ ऑफ कट। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है स्मॉल डी से, एंड फीड हमारी इस डायरेक्शन में है दैट इज इन पर मिनट, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की जहां पे हमें अनकट चिप थिकनेस निकालनी होती है तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बताना चाहिए 2f डिवाइडेड बाय nz स्मॉल रूट d डिवाइडेड बाय कैपिटल d और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है कि अगर हमें चाहिए कि मैक्सिमम कट चिप थिकनेस कितनी होगी, यहां थी मैक्सिमम अनकट चिप थिकनेस, अब हमें निकालनी है मैक्सिमम बट कट चिप थिकनेस।
कट चिप थिकनेस कितनी होगी? फॉर्मूला में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है 2f डिवाइडेड बाय एन जेड डी स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। ये हो जाएगा हमारे पास टी मैक्सिमम, जो हमें कट चिप थिकनेस के लिए चीजें करनी होती है, लाइक 2f डिवाइडेड बाय एन जेड डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। तो ये हो जाएगा जब हमें मैक्सिमम कट चिप थिकनेस निकालनी हो, और ये हो जाएगा जब हमें मैक्सिमम अनकट चिप थिकनेस निकालनी हो। अब हम इस क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि टी मैक्सिमम अनकट चिप थिकनेस क्या होगा फर्स्ट ऑपरेशन के लिए, और सेकेंड के लिए क्या होगा, उन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो मैं ऐसे एक चीज दिखा देख सकता हूं कि टी मैक्सिमम जो है अनकट वो प्रोपोर्शनल है डी टू दी पावर 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल डी और डेप्थ ऑफ कट। मुझे गिवन है डी टू डेप्थ ऑफ कट सेकेंड ऑपरेशन के लिए इक्वल है ट्वाइस डेप्थ ऑफ कट फर्स्ट ऑपरेशन की। तो अगर मैं फॉर्मूला के अंदर रखू लाइक टी वन मैक्सिमम बाय टी टू मैक्सिमम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेप्थ ऑफ वन स्क्वायर रूट ऑफ डेप्थ ऑफ टू। ठीक है, नाउ डी टू क्वेश्चन में गिवन है डी टू इज नथिंग बट टू डी वन, सो अगर मैं इसे पुट करूं सो टू डी वन रूट डी वन एंड रूट डी वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास वन अपॉन रूट टू, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.707 और 0.71। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन टू गेट 2017 मैकेनिकल। A block of length 200 mm is machined by a slab milling cutter 34 mm in diameter. The depth of cut and table feed are set at 2 mm and 18 mm per minute respectively. Considering the approach and the hour travel of the cutter to be same, the minimum estimated machining time per pass is in minutes. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है लेंथ ऑफ द वर्क पीस जो कि 200 mm है, डायमीटर कटर का है 34 mm, डेप्थ ऑफ कट हमें गिवन है, फीड रेट गिवन है, और एक एक्स्ट्रा चीज हमें गिवन है वो है अप्रोच ओवर ट्रेवल के इक्वल है, और हमें बताना है कि मशीनिंग टाइम पर पास कितना होगा और मिनट के अंदर कितना होगा। तो मिनट और सेकेंड्स दोनों के अंदर पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है मिनट में कि कितने मिनट के अंदर मशीनिंग टाइम हो जाएगा पर पास। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए उसके लिए कि मशीनिंग टाइम होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे हमने ड्रिलिंग के अंदर डील किया था, तो जब भी हम मशीनिंग टाइम को अगर मैं टी से रिप्रेजेंट करूँ तो हो जाएगा हमारे पास टोटल लेंथ जो हमें ट्रेवल करनी है, ये मैं इसको लिख देता हूँ टी टोटल एल टोटल, टोटल लेंथ जो हमें ट्रेवल करनी होगी डिवाइडेड बाय फीड रेट दैट इज इन पर मिनट। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मशीनिंग टाइम का। नाउ इसके लिए हम पहले डील कर चुके हैं कि अगर पर मिनट है और फीड पर टूथ गिवन हो, फीड पर टूथ हमें गिवन हो, तो हमें नंबर ऑफ टीथ एंड आरपीएम से उसे मल्टीप्लाई करना होगा, देन इट कन्वर्ट्स टू फीड रेट दैट इज इन पर मिनट, एंड फिर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे फॉर्मूला के अंदर। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज गिवन है, दैट इज अप्रोच इज इक्वल्स टू ओवर ट्रेवल। जहां भी हमें गिवन होता है अप्रोच इज इक्वल टू ओवर ट्रेवल, तो टोटल लेंथ जैसे हमने ड्रिलिंग के अंदर डील किया था, दैट इज नथिंग बट अप्रोच प्लस टोटल लेंथ ऑफ द वर्क पीस प्लस ओवर ट्रेवल। तो यहाँ अप्रोच और ओवर ट्रेवल दोनों ही हमें गिवन नहीं है, लेकिन दोनों इक्वल है हमें ये पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या होती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो स्लैब मिलिंग का है, तो जब भी हम बात करते हैं स्लैब मिलिंग की,
जब भी हम लोग बात करते हैं स्लैब मिलिंग की, वहां पे जो अप्रोच हमारे पास आती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अप्रोच का, ठीक है। नाउ स्मॉल डी सेम डेप्थ ऑफ कट है, कैपिटल डी सेम डायमीटर ऑफ द कटर है, तो स्मॉल डी और कैपिटल डी इन दोनों के रिलेशन से मैं निकाल सकता हूं अप्रोच को, और अप्रोच गिवन है ओवर ट्रेवल के इक्वल, और मुझे निकालना क्या है मशीन इंटेंट, ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज को रख के देख लेते हैं, लाइक अप्रोच, अप्रोच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल डी, स्मॉल डी हमें गिवन है 2 mm, सो 2 mm मल्टीप्लाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, कैपिटल डी हमारे पास 34 माइनस स्मॉल डी 2 है, 34 माइनस 2 इज 32, 32 मल्टीप्लाई 2 इज 64, सो अप्रोच हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 64 और 8, दैट इज इन mm, हमें अप्रोच पता चल गई 8 mm है। हमें गिवन है अप्रोच इज इक्वल टू ओवर ट्रेवल, मींस ओवर ट्रेवल इज ऑल्सो 8 mm इक्वल टू अप्रोच। Now what is the machining time per pass? So then T is equal to total length. Total length is approach plus total length, that is traveling length of the workpiece, plus over travel divided by feed rate per minute. Feed rate in minute. Now approach plus length plus over travel means 8 plus 200 plus 8, 8 plus 200 plus 8 divided by feed rate per minute is given 18 mm per minute. Now 200 plus 8, 8 means 216 divided by 18, so 12 minute hamare paas jayega hamara answer. Question 3, Gate 2016 Production Engineering. A 60 mm wide block of low carbon steel is face milled at a cutting speed of 120 meters per minute, feed of 0.1 mm per tooth and axial depth of cut of 4 mm. A schematic representation of the face milling process is shown below. The diameter of the cutter is 120 mm and it has 12 cutting edges. The material removal rate in mm cube per second is. Question number 3 के अंदर हमसे पूछा है कि material removal rate mm cube per second के अंदर कितना होने वाला है। हमें जो चीजें given है उसके अंदर हमें length of the workpiece given है, diameter कितना है cutter का, teeth कितने हैं, velocity क्या है, cutting speed हम जैसे बोले that is in meter per minute, फीड रेट पर टूथ हमें गिवन है, ठीक है, और डेप्थ ऑफ कट हमें गिवन है 4 mm. नाउ सबसे पहली चीज हमारे पास यहां आती है कि MRR है क्या, दैट इज मटेरियल रिमूवल रेट। नाउ मटेरियल रिमूवल रेट है क्या एक्चुअल में, विड्थ ऑफ कट W मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ ऑफ कट दैट इज D एंड F that is the feed per minute, feed rate per minute. Now ये हमारा हो गया MRR. अब अगर मैं इसे देखूं width of cut हमारे पास होता है mm में, depth of cut भी हमारे पास होता है mm में, feed rate हमारी होती है mm per minute, हमारे पास ये जो MRR आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा mm cube पर मिनट, और मिनट से हम सेकंड्स में इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि इसको डील किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें निकालनी है डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट हमें गिवन है, विड्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट हमें पता है 60 है, 60 mm. नाउ हमें जो डील करना है वो है फीड रेट से, कि फीड रेट को mm पर मिनट में कैसे लाएं जो हमें गिवन है फीड पर टूथ।
ठीक है, उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि फीड रेट जब मैं पर मिनट में निकालने हूं तो हम डील करते हैं फीड रेट पर टूथ मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम. फीड रेट पर टूथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टूथ्स दैट इज गिवन टू अस दैट इज 12 कटिंग केजेस मल्टीप्लाई बाय एन दैट इज इन आरपीएम रोटेशन पर मिनट. एंड एन हमें यहां पे नहीं गिवन है. अगर मैं इस फॉर्मूला के अंदर देखूं मेरे पास फीड रेट पर टूथ गिवन है, जेड नंबर ऑफ टीथ्स भी हमें गिवन है, बट हमें एन गिवन नहीं है. इस एन के लिए हमें गिवन है वी कटिंग स्पीड दैट इज इन मीटर पर मिनट. नाउ अगर मैं बात करूं ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा. सेकेंड थिंग अगर मैं यहां पे बात करूं कटिंग वेलोसिटी की, कटिंग वेलोसिटी होती है वी इज इक्वल टू नथिंग बट पाई डी एन. पाई डी इज द डायमीटर ऑफ द कटर, एन इज द रोटेशन पर मिनट. नाउ इस क्वेश्चन के अंदर मैं देखूं तो मेरे पास वेलोसिटी कटिंग स्पीड है 120 दैट इज इन मीटर पर मिनट. पाई डी डी इज 120 mm क्योंकि हमने लिया है मीटर में तो हमें इसको भी मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए mm को हमें डिवाइड करना पड़ता है 1000 से. सो 120 डिवाइडेड बाय 1000 कन्वर्ट टू 0.120 एंड दैट इज नथिंग बट n. n हमें निकालना है. यहां से अगर मैं n की बात करूं तो n कितना हो जाएगा दैट 120 divide by pi divide by 0.120 or 1000 upon pi. ये हो गया हमारे पास n. यहां से हमने निकाल लिया n rotation per minute. जैसे हमने यहां से n निकाला तो यहां से feet per tooth है हमारे पास 0.1 multiply z that is number of teeth 12 मल्टीप्लाई एन. एन हमें गिवन है हमने निकाला है 1000 अपॉन पाई 1000 अपॉन पाई. तो ये हो गया हमारे पास फीड रेट पर मिनट. ये हो गया हमारे पास सेकेंड. और फॉर्मूला में अभी क्या क्या चीजें चाहिए थी विड्थ ऑफ कट डेप्थ ऑफ कट और फीड रेट पर मिनट. तो हमारे पास सारी चीजें हैं हम डायरेक्ट एमआरआर निकाल सकते हैं. Width of cut that is 60 mm, 60 multiply depth of cut that is nothing but 4 multiply feed rate per minute. Feed rate per minute को अगर मैं देखूं, so 1000 into 0.1 is 100, 100 into 12 is 1200 and divide में pi चल ही रहा है, so this is the MRR. Now इसको हमने solve करना है, after solving, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा answer. Gate 2015 PI question 4. In a slab milling operation, a cutter of 75 mm diameter with sufficient width is used to remove 5 mm thick material from a 200 mm long part in a single pass. The minimum length of travel in mm for the cutter to engage and completely cut the part surface is. Question number 4 ke andar hame given hai diameter of the cutter 75 mm, length of the workpiece, depth of cut और हमसे पूछा है कि minimum length कितनी travel करनी पड़ेगी ताकि जो job है हमारा वो cut हो जाए. ये हम इसको अगर एक diagram बनाऊं अगर मैं कि length हमारे पास अगर 200 mm है, ये मेरे पास कोई भी workpiece है 200 mm मेरे पास इसकी length है और मुझे इसे पूरी तरीके से cut करना है, ठीक है, तो कितना मेरा जो टूल है वो कितना मिनिमम ट्रेवल करना चाहिए कि ये वर्क पीस को हम पूरी तरीके से कट कर सके. तो हम जब टोटल लेंथ की बात करते हैं, लेंथ टोटल की जब हम बात करते हैं तो हम लेते हैं अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ द वर्क पीस प्लस ओवर ट्रेवल. बट इसके अंदर हमसे पूछा है कि मिनिमम लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी. तो सबसे पहली चीज हमें अप्रोच, यह है हमारे पास ओवर ट्रेवल, ये हमारे पास है अप्रोच,
ये हमारे पास ओवर ट्रेवल, ये हमारे पास टोटल लेंथ। नाउ मिनिमम कितना कट करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरीके से कट हो जाए। तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले अप्रोच लेनी पड़ेगी, देन हम इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, पूरे एल को कवर करेंगे। ना ओवर ट्रेवल के टाइम पे हम इसे कंप्लीटली, ये पूरा कट हुआ या नहीं उसको सेटिस्फाई होने के लिए हम ओवर ट्रेवल को यूज करते हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है मिनिमम लेंथ कितनी लेनी होगी, तो हम बात करते हैं मिनिमम की, तो हम वहां ओवर ट्रेवल को कंसीडर नहीं करते हैं, हम टोटल लेंथ और अप्रोच वहां तक ही जाएंगे, उसके बाद हम बोल देंगे कि यस हमारा जो वर्क पीस है वो पूरी तरीके से कट हो चुका है, तो ओवर ट्रेवल यहाँ पे हमारा वर्क नहीं करेगा। तो ओवर ट्रेवल हमारे पास यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पॉइंट आता है कि टोटल लेंथ हमारे पास बची है अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ द वर्क पीस। नाउ लेंथ ऑफ द वर्क पीस हमें गिवन है 200 mm, तो अप्रोच हमारे पास क्या होगी। अब अप्रोच के लिए मैंने पहले ही बताया था कि अप्रोच की हम जब भी बात करते हैं स्लैब में लिख के अंदर, तो अप्रोच हमारे पास होता है स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट और डायमीटर ऑफ द कटर। नाउ इसके अंदर अगर मैं वैल्यू रखूंगा, स्मॉल डी हमें 5 mm गिवन है, तो दैट इज 5 mm। नाउ कैपिटल डी 75 mm, तो 75 माइनस 5 इज 70, 70 इंटू 5 दैट इज 315, और इसका अगर आप रूट लोगे तो मिलेगा 18.71, दैट इज एन एम। तो हमें मिल गया अप्रोच, अप्रोच है हमारे पास, हमारे पास लेंथ ऑफ द वर्क पीस है, टोटल अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास हो जाएगी लेंथ मिनिमम अप्रोच 18.71 प्लस लेंथ ऑफ द वर्क पीस 200 mm, समेशन ऑफ दिस 218.71 mm आंसर।